नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। औरैया में एक तरफ जहां सरकार बराबर जनता के लिए सुविधाओं का पिटारा खोल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार नहीं। जब इस समय भीषण गर्मी में लोग पानी की अच्छी व्यवस्था चाहते हैं, लेकिन यहाँ तो पानी की समस्या से लोग परेशान नजर आते हैं। बता दें कि औरैया जिले के रूरूगंज में जनता को ठंडा पानी पीने के लिए वाटर कूलर लगवाए गए थे, लेकिन यहाँ वाटर कूलरों के हालात बद से बदतर हो गए हैं। जनता को ठंडा पानी छोड़िए, सादा पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा है। लगभग 6-7 महीने से बिल्कुल बंद है। एक केबल चालू है तो अपनी तरफ में 4 लगे हुए हैं, एक चालू है सब, बाकी सारे खराब पड़े हैं। आपने इसकी शिकायत की? ये मंत्री जी से कही, फिर सुनवाई नहीं। क्या नाम है मंत्री का? शर्मनलाल। बदायूं के थाना फैजगंज बेटा क्षेत्र के गांव परमानंदपुर में 5 अप्रैल को गल्ला व्यापारी से दिनदहाड़े 5 लाख की लूट हुई थी। इस लूट में शामिल बदमाश को बीती 8 मई को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसी मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी मौका पाकर भागने में सफल हो गया। तभी से फैजगंज थाना पुलिस इसे पकड़ने का प्रयास कर रही थी, लेकिन हाल ही में भागे हुए आरोपी ने पुलिस के सामने सरेंडर करते हुए कहा कि मुझे गोली मत मारना, मैं जीना चाहता हूँ। दहन के थाना फैजगंज भेटा में 5 अप्रैल को परमानंदपुर में जो लूट हुई थी, उस लूट का एक अभियुक्त जो जिस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, आज गले में तख्ती डालकर उसने पुलिस के समक्ष सरेंडर किया है। और इस अभियुक्त का नाम है फुरकान उर्फ सदुआ। इस अभियुक्त को सरेंडर करने के उपरांत पुलिस आरक्षा में लेकर के इसे लूट के संदर्भ में पूछताछ की जा रही है। बुलंदशहर के ग्राम नगलिया नारायणपुर के प्राइमरी स्कूल का एक वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षकों की मक्कारी सामने आई। इस वायरल वीडियो में शिक्षक बेशर्मी की हद पार करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि बुलंदशहर के इस स्कूल में बच्चों के हाथ में किताबों की जगह झाड़ू नजर आ रही है। वहीं इस घटना पर सवाल तो कई उठते हैं कि आखिर उच्च अधिकारियों ने अपनी आंखों पर काली पट्टी क्यों बांध रखी है? क्या देश का भविष्य ऐसे ही उजागर होगा? और क्या सरकारी प्राइमरी स्कूल मासूम बच्चों से झाड़ू पोछा और बर्तन साफ ही करवाएंगे? उत्तराखंड चार धाम की यात्रा में बढ़ते श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जो लोग अस्वस्थ हैं वो भी यात्रा पर आ रहे हैं। ऐसे में मेरा ऐसे लोगों से निवेदन है कि जिनका स्वास्थ्य खराब है वो भी यात्रा में ना आए। जब उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए उसके बाद अपने डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर ही चार धाम यात्रा पर पहुंचे। मुख्यमंत्री का कहना है कि चार धाम के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं, सभी धर्मों में व्यवस्थाएं बेहतर की गई हैं, सभी धामों में व्यवस्थाएं बेहतर की गई हैं जिससे श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। क्योंकि यात्रा अभी 2 सालों बाद शुरू हो रही है और यात्रा में पिछले सालों की तुलना में जो आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले जो लोगों की संख्या होती थी उससे कई गुना ज़्यादा आई है। उसको हम सब लोग मिलकर व्यवस्थित करेंगे और हमने देश के लोगों से अनुरोध भी किया है कि जिन लोगों की यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और आगे की जो भी हमारी जो एक हमने व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था के तहत जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है वही लोग यात्रा में आए। और चूँकि और जो मेडिकली फिट नहीं है उनसे भी मैं अनुरोध करता हूँ कि अभी मेरा अनुरोध है कि जब तक वो पूरी तरह से और डॉक्टर का उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है तब तक यात्रा प्रारंभ न करें। फतेहपुर जिले में बुधवार को पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन पाताल के तहत अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, जिसमें पुलिस ने सरगना समेत 2 अवैध असलाह तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की। तो वहीं पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार प्रदेश भर में बदमाशों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन पाताल अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत बीती रात हथगांव थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम अपराधियों का भंडाफोड़ करती है। बता दें कि पुलिस ने इस भंडाफोड़ में 2 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ ही 16 निर्मित तमंचे, 6 दर्जन तमंचे, किनार और जिंदा कारतूस, खोखे उपकरण बरामद किए। पाताल नाम से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुराने अभियुक्त जो कि शस्त्र फैक्ट्री वगैरह चलाए हैं और इन्होंने इस तरह से अवैध कार्य किए, उस अभियान के तहत एक पुराना बदमाश राजेश विश्वकर्मा जो पहले भी तमंचा फैक्ट्री में जेल जा चुका है, उसके ऊपर भी अनिश्चित कार्रवाई की गई है। हथगांव क्षेत्र से
राजेश विश्वकर्मा और उसका साथी सुशील कुमार सिंह, दोनों को अरेस्ट किया गया है। और 16 तमंचे बने हुए, बड़े अच्छे तमंचे बने हुए, देखिए एक ही तरह के एक ही नमूने के समय तमंचे बरामद हुए हैं, 12 बोर के और 15 बोर के। हरदोई के शहर कोतवाली क्षेत्र में एसडीएम के इकलौते बेटे मयंक हत्याकांड में अपर सत्र न्यायाधीश सभी 5 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रति व्यक्ति को 37,500 रुपए के जुर्माने की भी सजा सुनाई है। अप्रैल 2013 की घटना है, इसमें भूमि विवाद को लेकर के मयंक शुक्ला की हत्या हुई थी और हत्या में जो नामजद अभियुक्त थे अशोक सिंह, प्रमोद सिंह, हरनाम सिंह, अरुणेश सिंह और मास्टर उर्फ सूरज सिंह थे। इन लोगों को कल जो है दूसरे दिन पे हुआ था, आज 5 लोगों पे आजीवन कारावास और 37,500 रुपये प्रत्येक पे जुर्माना किया गया है। किस अदालत ने सजा सुनाई, कितना? ये ADJ 11 श्री अबुल कैस जी की अदालत से सजा सुनाई गई। देखिए, मुझे न्याय पर कानून पर विश्वास था, मैं प्रशासनिक अधिकारी रहा हूँ, मैंने इसलिए जो भी मेरे बेटे के साथ हुआ मेरी गैर मौजूदगी में, तो मैं तो भगवान से और न्याय पर विश्वास करता था। मैं चाहता हूँ जो ईश्वर जो करेगा न्याय वो मुझे मंजूर होगा। ईश्वर ने मेरी सुनी और उन्होंने न्याय दिया है, वो मुझे सहार स्वीकार है। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली के गैस प्लांट चौकी क्षेत्र में बीती 17 मई को भारत पेट्रोलियम कंपनी के लगभग 25 लाख कीमत के पाइप चोरी करने वाले चोर को रानीपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। वही SP स्वतंत्र कुमार ने गैस प्लांट चौकी परिषद में इस चोरी की घटना का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि चोरी की जानकारी मिलने के बाद संबंधित धाराओं में अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया, जिसको गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। 16/17 की रात्रि का घटना है, एक भारत पेट्रोलियम और गेल का संयुक्त उपक्रम से CNG पाइपलाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। अटल वाटिका के पास इनकी पाइप्स रखी गई थी, जो पाइप लगभग 12 मीटर लंबी हैं और 6 इंच चौड़ी पाइप हैं। ये स्पेशली CNG गैस के लिए ही उपयोग में लाई जाती हैं, वो पाइप हैं। चोरी की घटना करने वाले थे और एक ट्रक में लगभग 65 पाइप बरामद की गई हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू इसमें 25 लाख रुपए है। इसमें जो ट्रक ड्राइवर है रामप्रसाद, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और एक व्यक्ति जो ये पाइप लेके जा रहा था अपने यहाँ, उसके लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है और उनके ठिकानों पे दबिश भी दी जा रही है। हाथरस इंडस्ट्रीज एरिया स्थित आनंद उद्योग प्लास्टिक फैक्ट्री में एक मजदूर की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई, जिसके दौरान फैक्ट्री संचालक मजदूर के शव को जिला अस्पताल में छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं परिजनों ने फैक्ट्री संचालक के खिलाफ पुलिस में शिकायत की और परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामले को दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी। जौनपुर के अमर शहीद उमानाथ सिंह जिला चिकित्सालय में दिल को झकझोर कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक मजबूर मां अपने मासूम बच्ची को गंभीर अवस्था में आनन फानन में इलाज के लिए ठेले पर लादकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर ने मासूम को देखने के बाद प्राथमिक उपचार के लिए बेहतर उपचार के लिए वाराणसी रेफर करने के कागज ही बना रहे थे कि तभी मासूम बच्चे ने दम तोड़ दिया। ऐसे में एक तरफ जब सूबे की योगी सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए जोरों शोरों से मुहिम चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जौनपुर के जिला अस्पताल से इस वायरल वीडियो ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बहुत दुखद घटना है, 8 महीने की बच्ची थी, शायद वो गैस्पिंग कंडीशन में आई थी, सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा था, जब तक पीडियाट्रिशियन इलाज करते करते उसी दौरान शायद बच्चे की मृत्यु हो गई। जो भी हम टीम गठित करेंगे, जो भी दोषी पाएंगे उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। मैम, जिला अस्पताल में 100 वाहन भी है और उसके बाद उसको 100 वाहन से ना भेज के ठेले से ही वापस निकल कर भेज दिया गया। हम अभी हम गए थे जिला अस्पताल, तो पेडियाट्रिशियन ये उनका कहना ये है कि हम जब तक DC बना रहे थे बिना बताए वो बच्चे को लेके कह रहे हम ठेले पे आए, ठेले पे चले, बिना बताए चले बोल के उनका कहना है, बट हम अभी कार्रवाई करवाएंगे, अगर दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। इसकी गलती दिखाई दे रही है, क्योंकि इमरजेंसी में है तो कैसे बिना बताए।
आप ये बात सत्य है क्योंकि वहाँ पे आते जाते वहाँ पे वॉचमैन भी हैं, सब काफ़ी लोग रहते हैं। मैनपुरी कुरावली पुलिस और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने क्रिकेट आईपीएल के सट्टे का भंडाफोड़ किया और 6 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया। मामले की जानकारी देते हुए एसपी ने कहा कि मौके पर पहुंचे पुलिस ने घेराबंदी कर 6 लोगों को पकड़ा है। पूछताछ के दौरान युवकों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बता दें कि पुलिस को मौके से 12,000 रुपये नकद, 7 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। हाल ही में भारी बारिश के चलते कुमाऊं को गढ़वाल के चौथान इलाके से जोड़ने वाले दिघाट घटघाड़ जगतपुरी मार्ग को बंद कर दिया गया था। बता दें कि पौड़ी गढ़वाल के चौथान से जोड़ने वाला मुख्य मोटर मार्ग घाटघाड़ और सुरमोली के बीच पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। उस मार्ग पर आवाजाही को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। ऋषिकेश के योगनगरी रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित माता राज राजेश्वरी धर्मार्थ प्याऊ का लोकार्पण हुआ है। इस लोकार्पण में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और पूर्व कैबिनेट मंत्री अमृता रावत ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। बता दें कि योगनगरी रेलवे स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मानव उत्थान सेवा समिति आमजन के लिए तत्परता और निष्काम भाव से काम करती है। भारतीय किसान यूनियन तोमर के कोषाध्यक्ष श्रवण त्यागी के नेतृत्व में मुजफ्फरनगर के एक निवासी जिलाधिकारी अखिलेश सिंह को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि इस ज्ञापन में देवबंद निवासी ने एक युवक पर अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया। निवासी नीरज का आरोप है कि देवबंद में उसके ससुर की जमीन पर कुछ दबंगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी से भी की गई। नीरज ने इस कानूनी कार्रवाई में अपनी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए अपील की। बता दें कि इस दौरान भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्रवण त्यागी, कार्यकारी जिलाध्यक्ष अशोक त्यागी, प्रदेश युवाध्यक्ष रईस मलिक, मनोज कर्क शामिल रहे। देखिए, संगठन को मजबूत करने के लिए हमने सांबू को 5 क्षेत्रों में बांटा हुआ है। अपना पिलखनी औद्योगिक क्षेत्र है, कामधेनु औद्योगिक क्षेत्र है, दिल्ली रोड औद्योगिक क्षेत्र है, देहरादून औद्योगिक क्षेत्र है और एक अपना मध्य क्षेत्र है। तो इसी से संबंधित हमारी 2 बैठकें कामधेनु में और पिलखनी में हो चुकी हैं। आज ये 3री बैठक दिल्ली रोड पर हमारी हो रही है। इसमें बैठकर संगठन को कैसे विस्तार किया जाए, संगठनात्मक मुद्दों पर बातचीत होनी है और अपने साथ जितने पदाधिकारी हैं इस क्षेत्र के सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आज की बैठक लघु उद्योग भारती, जैसा आप सब जानते हैं, उद्योग के क्षेत्र में उद्यमियों के लिए, श्रमिकों के लिए, उनके हित को ध्यान में रखते हुए उनके विकास के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। देश के अंदर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था है, संगठन है, जिसके लिए काम कर रही है। ये तो रहा मेन दायित्व हमारा अपने खुद के लिए, पर साथ में हम अपने सामाजिक दायित्व को भी समझते हैं, उसके लिए हम काम करते रहते हैं। इनमें कोरोना में किया आदि आदि। शाहजहाँपुर में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा देने आए छात्रों के आपस में मारपीट का मामला सामने आया। शाहजहाँपुर के तक्षशिला पब्लिक स्कूल के सामने 2 छात्रों की मारपीट होने से भीड़ लग गई। बता दें कि परीक्षा खत्म होते ही ये स्कूल के छात्र आपस में भिड़ गए और एक दूसरे के साथ बीच रोड पर जमकर मारपीट करने लगे। तो वहीं किसी ने इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। श्री शिरडी साईं बाबा के स्थापना दिवस पर श्री सनातन धर्म मंदिर में बाबा का अद्भुत श्रृंगार किया गया। बता दें कि श्रृंगार बाबा भक्तों द्वारा ही किया गया, जिसके बाद बाबा के विशाल भंडारा आयोजन किया गया। श्री शिरडी साईं सेवा समिति के अध्यक्ष कमल जिंदल ने बताया कि बाबा के 11वें स्थापना दिवस के अवसर पर समिति द्वारा हर साल की तरह इस साल भी बाबा का श्रृंगार और भंडारा किया गया है। उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है खड़े चावल का प्रसाद वितरण होता है। भक्तों में सुबह से ही बहुत उत्साह है। बाबा का सुबह श्रृंगार हुआ है, स्नान ध्यान करवा करके सुंदर श्रृंगार हुआ है। उसके बाद भक्तों की यहाँ भीड़ आप देख रहे हैं, बहुत लगी हुई है और लोग बड़े चाव से खड़े चावल का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। साईं बाबा की जो मंदिर में हमने मूर्ति स्थापना कराई थी सबके सहयोग से, उसके उपलक्ष्य में हर वर्ष कड़ी चावल का प्रसाद बांटा जाता है और हम साईं बाबा से, परमपिता परमात्मा से अपने देश की खुशहाली के लिए, अपने प्रदेश की खुशहाली के लिए।
देवरिया के लक्ष्मण चौराहे पर सहारा इंडिया परिवार में पैसा जमा करने वाले सैकड़ों लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि लोगों का कहना है कि उन्होंने अपना और अपने बच्चों का पेट काटकर सहारा में पैसा जमा किया था, लेकिन आज अपना ही पैसा लेने के लिए सहारा इंडिया परिवार के ब्रांचों पर दर दर भटक रहे हैं। और बीते बुधवार को राम लक्ष्मण चौराहे पर महिलाओं पुरुषों ने सहारा इंडिया परिवार से अपना ही पैसा नहीं मिलने पर जोरदार प्रदर्शन किया। 10 साल से इंतजार करते करते इनका पैसा नहीं मिला था, आज इनकी इतनी मजबूरी बन गई है कि इनको सड़क पर उतरना पड़ा है सहारा इंडिया की वजह से। सहारा इंडिया देखिए पैसा नहीं देना चाहती है किसी को, 10 साल से हम लोगों को केवल यहाँ बेवकूफ़ बना रही है, और आज हम लोगों की ये स्थिति हो गई है कि हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब सहारा इंडिया के ऑफिसों पे जाना पड़ता है तो ये लोग ये कहते हैं कि हमारा सेवी के साथ विवाद चल रहा है इसलिए हम पैसा नहीं देना चाहते हैं, लेकिन ये सरासर गलत बोलते हैं। क्योंकि अभी मैं बताना चाहता हूँ, 4 दिन के अंदर की उदाहरण देता हूँ कि छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2021 में कंप्लेन किया गया था, 7,200 लोग मिलकर के जिलाधिकारी को कंप्लेन किया, उन लोगों ने 6 महीने के अंदर 15 करोड़ रुपया उन लोगों का जमा था ब्याज सहित। 15 दिन के अंदर, 6 महीने के अंदर जब छत्तीसगढ़ पुलिस गई 4 डायरेक्टरों का सहारा के गिरफ्तार करके लेकर आई तो 3 दिन के अंदर उनको 15 करोड़ रुपया दे दिया गया। सहारनपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत थाना रामपुर मनिहारन पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने शहरी पुलिया से चेकिंग के दौरान आयशर कैंटर फर्जी पार्सल की गाड़ी में अवैध रूप से तस्करी कर ले जा रही 6 लाख रुपए की आम, शीशम और नीम की लकड़ी सहित एक शातिर लकड़ी के तस्कर मंसूर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। यूपी में दबंगों की दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही। खबर श्रावस्ती से, जहां पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक परिवार के 3 लोगों को जमकर पीटा। बता दें कि आपसी विवाद के चलते दबंगों ने परिवार को पीटा है गंभीर रूप से, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने 3 को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाए, जहां घायलों की हालत देखकर डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। यूपी के साजापुर में ऑपरेशन पाताल में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। बता दें इस ऑपरेशन के दौरान जितीपुर पुलिस ने 4 युवकों को अवैध असलाह सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक महोदय साजापुर के निर्देश पर अवैध शस्त्र का व्यापार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के अंतर्गत थाना जैतीपुर पुलिस को आज बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। उनके द्वारा 4 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र, 3 बंदूकें व 1 तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति थाना जैतीपुर क्षेत्र के ग्राम क्रिया के रहने वाले हैं। यह बबलू, ओमवीर, राजाराम और श्रीपाल हैं। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ के पश्चात जिनसे इनके द्वारा ये शस्त्र खरीदे गए हैं जानकारी प्राप्त कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सरोवर नगरी नैनीताल के कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा 5 गांव को गोद लिया गया। बता दें कि उन्नत भारत अभियान के तहत कुमाऊं विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर एनके जोशी के दिशा निर्देश में विश्वविद्यालय द्वारा कई जागरूकता, सामाजिक एवं पर्यावरण कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो वहीं हल्द्वानी ब्लॉक में स्थित बसानी गाँव में 1 दिन का निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप का सफल आयोजन किया गया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।